ਇਹ ਜੂਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੂਏ ਹੀ ਖੇਲਣੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। अभी तकरीबन एक बज चुका है तो मैं अभी जो है ब्लॉग जो है स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज का ब्लॉग जो होगा वो होगा इस बाइक के ऊपर। इस बाइक को आपको तो पता है कि ये जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो ये स्टार्ट होना छोड़ गई है। तो कल मैंने परसों स्टार्ट की थी, घर में ही स्टार्ट हो गई थी, तो कल स्टार्ट की है तो फिर नहीं स्टार्ट हुई। वह मेरा ख्याल है कि इसे दोबारा धक्का लगाना पड़ेगा। तो रोज रोज धक्का लगा के मैं तो इसे तंग आ गया, तो मुझसे ना धक्का लगवा होता है और जो लगाने वाले वो भी थक गए हैं, क्योंकि तो काफी ये पावर लेती है धक्का लगाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी बैटरी आज निकालूं और इसे दिखाऊं जाके बैटरी वाले को कि क्या मसला है। अगर तो बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है तो फिर नई बैटरी लगवाने का सोचूंगा। अगर तो वही बैटरी ठीक रही, अगर बैटरी वाले ने कह दिया कि ये बैटरी ठीक हो सकती है तो फिर इसी बैटरी को ठीक करवा के तो इसमें फिट करते हैं। तो अभी मैं इसे खोलता हूँ। सबसे पहले आप गैस करें कि मैं बैटरी इसकी कहाँ से निकालूंगा, आपका क्या ख्याल है। आप देख सकते हैं जो इस पर ये वाली बाइक्स है ना, तो इन पे बैटरी होती है यहाँ पे इस जगह, यहाँ से इनका वो टापा उतरता है और यहाँ पे बैटरी होती है। लेकिन इस बाइक आप सोचिए कहाँ से निकलेगा और कहाँ पे होगी। ये तो इसकी बैक सीट है, ये कहला के डिक्की की किस्म की छोटी सी, ये तो वो है, ये सीट है जिसके नीचे बैटरी है यहाँ पे। तो मुझे ये वाले नट जो है वो खोलने पड़ेंगे, फिर इसे खोलना पड़ेगा, फिर इसके नट अंदर वो खोलने पड़ेंगे, फिर इसे उठा के तो फिर बैटरी है, बैटरी के नट खोल के तो फिर बैटरी निकलेगी। तो आपको भी साथ साथ ही दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये औजार हैं इसके, बैटरी तो बाहर निकल चुकी है। तो ये इसकी बैटरी है, तो इतनी छोटी सी बैटरी है। तो ये अभी लेके चलते हैं बैटरी वाले के पास, उसे दिखाते हैं कि क्या मसला है इसे। तो होप है कि वो ठीक कर दे, अगर वो ये उसने कहा कि ये ठीक नहीं होगी तो फिर जरा मसला बन जाएगा। तो अभी लेके चलते हैं उसके पास, तो अभी मैं थोड़ी सी साफ वगैरह कर लूँ। आप बैटरी चेक करें, ये बैटरी ऐसी है। हाँ जी, उम्र के लिहाज नाल। हाँ जी, ये चारी की तरह चारी पे हो जाएगी। हाँ जी, इस तरह भी है, ਇਹ ਜੂਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੂਏ ਹੀ ਖੇਲਣੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਨਸੀਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਖਾਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ।
बैटरी जो है मैं बैटरी वाले के पास दे आया हूँ, तो आपने बातचीत तो सुन ली होगी कि वो क्या कह रहा था। तो बैटरी जो है वो डेथ के करीब करीब है, अभी देखते हैं अगर ठीक होगी तो चलती रहेगी, नहीं तो फिर सोचेंगे नहीं लेने की। तो फिलहाल अभी मैं बैग अपना पैक करने लगा हूँ, तो आज मेरा फैसलाबाद जाने का प्रोग्राम बन गया है मुजम्मल के साथ, वहाँ पे काम है एक, तो दो चार दिन मैं वहीं रहूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे भी आप ब्लॉग बनाऊं और अपलोड करूं, तो देखेंगे जो सूरत हाल हुई, अगर मैं वहाँ पे ब्लॉग कर सका तो फिर वहाँ पे भी ब्लॉग करेंगे, अगर नहीं कर सका तो फिर देखेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आप भी ब्लॉग करूँ किसी तरीके से, देखेंगे जब टाइम आएगा। तो अभी मैं बाइक जो है वो अपना पैक कर लूँ। बाकी के कपड़े नीचे पड़े थे, नीचे लेके आया, तो यहाँ पे पड़े नहीं थे। लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, अगर तो वहाँ पे एडिटिंग हो सके इस पे तो एडिटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं होगी। अभी जितने भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने पैक कर लिए हैं, लैपटॉप रख लिए और लैपटॉप को चार्जर ले गया, वो भी कपड़े तो नहीं नीचे होगा। ये पड़ा चार्जर, बैग वगैरह तो अभी रेडी हो गया, कुछ चीजें हैं रखने वाली तो वो भी रख लेंगे बाद में। अभी फिलहाल मैं जो कंप्यूटर पे ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ तो एक माउस और कीबोर्ड रखना है, क्योंकि मेरे जो लैपटॉप का माउस और कीबोर्ड, माउस तो चलता है लेकिन कीबोर्ड नहीं चलता, तो एडिटिंग करने के लिए कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो कीबोर्ड रखना है। तो बाहर का मौसम आज भी कल जैसा ही है बारिश वाला, तो अभी तो बारिश नहीं हो रही फिलहाल, यहाँ तो नहीं हो रही, फैसलाबाद मैंने सुना तो हो रही है बारिश। तो अभी खाना खाते हैं जाके, तो फिर इंशाल्लाह बैटरी लेके आगे फिट करके, तो फिर इंशाल्लाह फैसलाबाद कल ही निकल जाएंगे। तो अभी पहले खाना खा ले जाके, आज पकाया जी चिकन, आलू चिकन शोरबा। आलू नहीं है, मैं चिकन कर ली है, आलू भी है। बैटरी देखो अभी तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ बैटरी लेने के लिए, तो ला के इसे फिट करके फिर देखते हैं कैसी बनी है बैटरी। अभी तो पता वैसे चलेगा नहीं क्योंकि अभी चार्ज होगी, पता तो 2-4 दिन बाद चलेगा जब हम फैसलाबाद से आएंगे कि तब स्टार्ट होती है कि नहीं होती। तो अभी पहले मैं बैटरी जो है वो लेके आ जाऊँ। कल की बारिश हुई है तो सड़कें अभी तक गीली हैं, इसी तरह अभी सूखी नहीं है सड़कें, गीली हैं, तो ऊपर बादल भी आ रहे हैं, दोबारा बारिश होने का खतरा है। यहाँ से तो आसमान बिल्कुल साफ हो गया, इधर बादल है, यहाँ से आसमान साफ हो गया बिल्कुल। तो अभी फिट कर दी है, तो अभी इसे स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं बाइक। बाइक स्टार्ट हो गई है, तो बाइक जो है वो मैंने फिट कर दी है, तो अभी मैं जाने लगा फैसलाबाद, तो फैसलाबाद की तैयारी करने लगे हैं। तो अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, अल्लाह।